बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। सदाबहार खाने में आयशा खान आपको वेलकम कहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्ट क्या सिखाने वाली हूँ, ये है मलाई। ये आम मलाई है जो हम अक्सर ख्वातीन जो है घरों में दूध बॉयल करती हैं और ऊपर से मलाई उतार के फ्रीज कर लेती हैं। इसका मैं तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ। और ये मलाई जो है तकरीबन 1.5 किलो मलाई है, ठीक है। ये जितनी भी है मलाई, मैं डायरेक्ट इसके साथ आपको घी बनाना सिखा रही हूँ। मक्खन नहीं सिखाऊंगी, डायरेक्ट घी कैसे बनता है और बहुत ही जल्द बन जाएगा और आसान तरीके से। तो सीखते हैं हम कैसे बनेगा घी जी। तो मैं कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें ये मैं सारी मलाई ऐड कर दूँगी। और अब हमने क्या करना है, इसको हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है। और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने स्लो आंच पे या मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे। ये चम्मच देखे मैंने चलाया है, चम्मच से जस्ट हमने मिक्स करना है। और ये पता क्या है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ मलाई है। और अब हमने इसको कवर कर देना है। और आपको कोई टेंशन नहीं, नीचे नहीं लगेगा, लेकिन आप चेक करते रहना है। ये देखिए मैंने कवर कर दिया, आँच हमारी मीडियम है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कुछ देर बाद इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें मैंने कवर उतारा और साथ हिला रही हूँ, इस तरह से बनता जा रहा है। आपने स्लो आंच पे या मीडियम आंच पे पकाना है। और इसके नीचे जो भी चीज़ होगी ना, घी जब ऊपर आ जाएगा तो वो भी आपने वेस्ट नहीं करना। उससे मैं इंशाल्लाह आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी, आप उसको किसी पराठे में यूज़ कर लें। लेकिन मैं उससे आपको जल्द ही इंशाल्लाह हलवा बनाना सिखाऊंगी। मैं कर रही हूँ और इससे हलवा तैयार करेंगे। जो इसके बाद जो चीज़ बचेगी ना नीचे, उससे इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ हलवा शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनता है इससे। अब मैं कवर कर रही हूँ और फिर से हम आपको बताएंगे कितनी टोटल टाइम में तैयार हुआ है। हाँ जी, ये देखें अब इस कंडीशन में आ गया है। इसको तकरीबन हो गए हैं 20 मिनट मीडियम टू लो। अब मैं थोड़ी सी आँच तेज़ कर दूंगी। और अगर आपने आँच तेज़ करनी है तो फिर आपने चम्मच हिलाते जाना है। और अगर आपने चम्मच नहीं हिलाना तो फिर आप स्लो आँच पर इसे कुक होने दें। स्लो आँच पर पकता जाएगा, पकता जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा घी निकलना शुरू हो गया ना, इसी तरह से वो घी निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि तेज़ आंच की है तो फिर आपने चम्मच हिलाना है। ये मैं हिलाती जा रही चम्मच के साथ। मैंने सोचा आज आपके साथ डायरेक्ट घी निकालने की रेसिपी शेयर करूं। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको मक्खन बनाना भी सिखाऊंगी और मक्खन से फिर घी कैसे निकलता है वो भी बताएंगे। हम हिलाते जा रहे हैं, चम्मच हिलाने से फिर नीचे नहीं लगेगा। अगर हमने तेज़ आंच की है तो नीचे चम्मच हर जगह से हिलना ज़रूरी है, कहीं से भी लगे ना। और कोशिश करें आप नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करें, और अगर ना कर सकें तो कोई मसला नहीं है, आप बस चम्मच हिलाते रहिएगा। कोई भी बर्तन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आंच फिर से स्लो कर रही हूँ और स्लो करके मैं इसको कवर कर देती हूँ, यानी कि मीडियम कर रही हूँ फ्लेम और कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा तेज़ करके मैं इस कंडीशन पर ले आई हूँ, फिर कवर कर देंगे। और तकरीबन ये 45 मिनट में रेडी होगा, स्लो और मीडियम, मीडियम टू तेज़ आंच अगर हम करेंगे तो। अब मैं आपको फिर दोबारा से इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैंने आपको दिखाना था कि स्लो स्लो आँच पर मैंने ना कवर उतार दिया था। आपने कवर उतार देना, ठीक है। जब कवर उतार देंगे, ये देखिए हमारा घी कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। ये देखिएगा आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको छान के आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, चम्मच के साथ हिलाते ज़रूर रहना है। और ये चीज़ जो मिक्सचर हुआ है ना, इसे आपने फेंकना नहीं है। इसी से मैं इंशाल्लाह आपको एक हलवा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत मज़ेदार इससे हलवा बनेगा इंशाल्लाह, मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं आपको छान के
फिर आपको दिखाती हूँ हमारा घी कितना तैयार हुआ है। देखिए अब हम छानते हैं। बिस्मिल्लाह, एक बाउल ले रही हूँ, उसके आगे मैंने छल्ली रख दी है। मैंने अच्छी तरह से छान लेना है, और अगर आपको लगे जैसे ये है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये हम निकाल देंगे। इस तरह का अगर कोई नीचे आ गए, क्योंकि मैंने ये आँच तेज़ की थी, आप स्लो आँच पे करेंगे ना, और बिल्कुल आप कवर ना करेंगे तो फिर ये इतना सा भी नहीं निकलेगा। इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। और ये देखें, ये हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। इससे जल्द ही आपको इंशाल्लाह मैं आपको मीठा बनाना सिखाऊंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा अपना असली देसी घी रेडी हो गया है। मैंने सोचा आपसे मैं ये रेसिपी शेयर कर लूं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ये जो चीज़ है इसको भी आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे वेस्ट नहीं करना आपने। इसे आप चाहें तो किसी आटे को गूंथते हुए उसमें ऐड करके आप पराठे बना सकते हैं, या फिर आप इसे चाहें तो किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। और मुझे दे इजाज़त है सपने बन के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।